किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ में। भाइयों आज हम आए हैं गांव हलालपुर में और एक ऐसे किसान के पास में जिनका आप देख सकते हैं इनके पास में जो है लगभग 5 ट्रैक्टर हैं। तो भाई से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। जी भैया जी नमस्कार, नमस्कार भैया। ठीक हो हाँ जी बढ़िया। भाई अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम आकाश पुत्र है, जी गांव हलालपुर, जी पिताजी का नाम देवेंद्र सिंह। जी तो भाई आप पूरा बताओ अपना, जैसे कितने ट्रैक्टर हैं, कौन सा कब लिया, सर्विस किसकी अच्छी है जो किसान भाई उससे थोड़ा सा लाभ उठा सकें। जी फिलहाल तो 5 ट्रैक्टर है मेरे पास। अच्छा 3 महिंद्रा के है, जी जिनमें मतलब दो, एक 575 है, एक 585, एक 475। 475। हाँ जी, जी और जी एक कुबोसा और एक आईसर का मिनी ट्रैक्टर 188। तो सबसे ज़्यादा तो काम मुझे लगा इस टाइम जो है छोटे वाला कर रहा होगा। सबसे ज़्यादा तो फिलहाल तो बस छोटे वाले का काम छोटे है। वाला तो चलो छोटे से ही शुरुआत करते हैं, इसके बारे में बताओ छोटे वाले के। छोटे वाले के जो है ये 18 HP का ट्रैक्टर है जी। जी इसमें ऑयल डिस्क ब्रेक है जी और जी तेल का खर्च बहुत कम है इसका, अपने अपने हिसाब से। हिसाब से अपनी जी श्रेणी में बहुत कम लगभग तेल कितना है। खर्चा आ जाए इसका? घंटे में आधा लीटर, आधा लीटर आधा लीटर रूटावेटर पे रूटावेटर पे। जी, और यू कितने HP में बताया आपने? 18 HP में एक सिलेंडर। एक सिलेंडर, जी सिंगल सिलेंडर है इससे जैसे अगर मतलब ये बता रहे हैं एयर कूल्ड है यो, एयर कूल्ड तो है यो जी। ऐसे गर्म नहीं होता जी नहीं, गर्म नहीं होता, कितना ही काम कर लो? कितना ही काम कर लो सुबह से शाम तक कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। और ये दूसरा ट्रैक्टर जो है आपका? ये सरपंच है जी, 475। जी इसकी जी चाल बढ़िया है, एक तो जी ट्रोली में लोड बहुत अच्छा ले रहा। और मॉडल कौन सा है वो? मॉडल है 11, नया लिया था आपने? नहीं सेकंड हैंड लिया था। सेकंड हैंड हाँ जी, पर चलने में बढ़िया? चलने में बढ़िया है, ऑयल डिस्क ब्रेक है इसके भी। अच्छा। हाँ जी, और जैसा आप और इंजन वगैरह में कुछ कराया अभी नहीं? इंजन में कुछ नहीं करवाया, घर पर बम्फर लगवाया था, वो एक ट्रॉली निकालने में बम्फर भी टूट गया था। अच्छा तो मतलब आपके हिसाब से यो भी बढ़िया। ये भी बढ़िया एक है, आप बता रहे हो महिंद्रा पाँच सौ पाँच सौ पचहत्तर पिछहत्तर 575, वो तो भट्टे पे है जी। भट्टे पे जा रहा है। हाँ चलो ठीक है, उसकी फेर बनाऊंगी किस दिन। चलो, और एक ट्रैक्टर ये है आपके पास, एक ट्रैक्टर ही है जी कुबोटा, यो कब लिया आपने? 2019 में लिया था, लास्ट में दिसंबर के महीने में। नया ही लिया था? हाँ जी नया लिया था। अच्छा यो कैसा चल रहा? ये भी बहुत बढ़िया चल रहा जी, अपने किस काम में बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वगैरह? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सब ठीक, सर्विस वर्विस बहुत बढ़िया है इनकी, घर पे ही आके कर जा। घर पे ही? हाँ जी तो जैसे आप एक बात बताओ, आपके पास जो है इससे अलग 4 ट्रैक्टर और हैं, ये तो छोटा बच्चा हो गया इसे छोड़ दो, तो जो बड़ा ट्रैक्टर है तीन अलग हैं उनके मुकाबले यो कैसा चले? उनके मुकाबले ये तो बहुत बढ़िया चलेगी। बढ़िया चले? हाँ ये अच्छा। सिंपल है, ये पावर स्टेयरिंग में है थोड़ा, एक आप ये बता रहे पावर थे काट, रहेगा, कैसी काट करके दिखाओ इसकी। काट बहुत बढ़िया है इसकी, बहुत ज़्यादा काट है। भाइयों इसकी कुबोटा की आवाज़ सुनेंगे, आवाज़ बहुत कम है ट्रैक्टर की, देखियो कितनी प्यारी आवाज़ है। और ये देख सकते हैं आप इसका पावर स्टीयरिंग है, ये देख लो टायर बिल्कुल घूम जाता है, इतनी ज़्यादा काट है इसमें। भाई ट्रैक्टर जो है 45 हॉर्स पावर की रेंज में आता है, चार सिलेंडर है और फ्रंट टायर 750/16 के हैं इसके, पिछले टायर 14/28 के हैं, पुश पैडल है, साइड गियरों में है, उच्च पायदान है, कुल मिला के जो है ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा है। और इसका जो साइलेंसर है वो अंदर से ही आया है, यहाँ ढोलकी इसकी अंदर ही है, आवाज़ बहुत ही प्यारी है ट्रैक्टर की, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं आप बोनेट भी ऊपर उठ गया इसका, ये कंपनी ने यहाँ पे इसकी ढोलकी बना रखी है अलग ही आवाज़। और ये बिल्कुल भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता कि ये मतलब यहाँ की शो इसी ख़राब हो जाए, हीट नहीं होता ट्रैक्टर बिल्कुल भी। एक इसमें सबसे अच्छी जो बात है ये बैलेंस नहीं भी है इसमें बिल्कुल भी, जैसे मतलब ट्रैक्टर में अलग होते हैं वाइब्रेशन बताते हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अब भाई का जो एक ट्रैक्टर है भार उसे और देखेंगे 585 को। भाइयों अब हम आ गए हैं इनका जो दूसरा ट्रैक्टर है, घेर में रहता है ये महिंद्रा B275 है, जो इन्होंने बाद में जो है 585 या 75 बनवा लिया, पता ही नहीं अभी सही नहीं 75 बन गया है 85 बन गया। भाई ने जो है इसके रिंग पिस्टन चेंज करवा दिए और ये DI में बनवा दिया, एक बार इसकी आवाज़ सुनवाओ। भाई आवाज़ देखो कितनी शानदार आवाज़ है, बड़ी
तो जैसे भाई आप बता रहे हो, आपने वो मतलब काफी पुराना मॉडल था, घर का ट्रैक्टर यो ही था, ये सेल नहीं करा, ये सेल नहीं करा, और ट्रैक्टर ले लिए, तो मतलब ये सारा काम कर रहा बढ़िया, बिल्कुल सब काम कर रहा। तो जैसे चार ट्रैक्टर आप चला रहे हो, उन चार के मुकाबले आपको यो कैसा लग रहा? यो सबसे बढ़िया लग रहा जी, हमें तो कम खर्च है, तेल का सारा काम करता है अब भी, और वैसे भी मतलब कम कीमत का है, कीमत का अपना कहीं भी लेकर कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही कह रहे हैं आप। तो इसमें खर्चा कितना आ गया था लगभग इसका इंजन चेंज करवाने में? हाँ जी, उस टाइम पर तो ऐसा ही आया होगा कोई लगभग 30-35 किलो। कब करवाया था ये चेंज? 2006 के आसपास हुआ। तो जब से ऐसे ही चल रहा है? जब से ऐसे ही चल रहा है। बंधवाया नहीं दोबारा? ना। अच्छा जी, बहुत दिन हो गए। इससे क्या क्या काम कर करो आप? इससे ज्यादातर तो टीलर का काम करते है और जंतरा। टीलर जंतरा? हाँ जी। और भट्टे वगैरह का जो काम रहा सब इससे कर दो? इससे ही कर ले। बहुत बढ़िया। ट्रोली भी गन्ना मिल में ही ले जा, ये ले जा। हाँ जी, ज्यादातर। बहुत बढ़िया। तो भाइयों, जैसे जैसे आकाश भाई ने बताया है, अगर आपके पास में पुराना ट्रैक्टर है, आप उस कभी इंजन बढ़वा के अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि भाई के पास में कुबोटा भी है, 575 नया भी है और 475 भी है, और भाई ने सबसे अच्छा ये ट्रैक्टर बताया, कम पैसों का बढ़िया। तो आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, नमस्कार।